Hey everyone, welcome to my channel. In today's video, I am going to show you how to create this eye makeup look. So, अगर आपको interest है देखने के लिए कैसे इसको create करना है step by step, then please keep on watching. बहुत simple तरीके से इसको create करके दिखाई हूँ मैं इस video में. So, let's start with today's video. तो सबसे पहले मैं start करूँगी concealer से. यहाँ पर मैं मिलानी का concealer use कर रही हूँ. आई एम इन दी शेड 140 और इसके हेल्प से सबसे पहले मैं आईब्रोज के नीचे शार्प कर लूँगी, क्लीन करूँगी बेसिकली, और साथ में इस कंसीलर को मैं ऑल ओवर आईलिड पे भी अप्लाई करूँगी एज माय आई शेडो बेस. सो ये सारे प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हो फ्रॉम अमेजोन, और अमेजोन पे चल रहा है प्राइम डे सेल फ्रॉम 23rd to 24th of July. सो वहाँ से आप ये सारे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा उस टाइम पे. सो ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा अमेजोन प्राइम डे सेल. सो आज का आई मेकअप सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है एज यू कैन सी. नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का आई शेडो पैलेट. दिस इज़ ह्यूज, और साथ में लेट मी टेल यू, ये आई शेडो पैलेट मुझे अच्छा लगा. इसका पिगमेंटेशन, मैं जो भी कलर आज यूज़ की हूँ, ऑल आर गुड, काफ़ी पिगमेंटेड लगा. थोड़ा सा फॉल आउट है बट आई डोंट माइंड, अगर ये पिगमेंटेड है तो मेरे लिए वो इशू नहीं करता है. सो यहाँ पे मैं एक फ्लफी स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश में पर्पल शेड को लेके अप्लाई कर रही हूँ. सबसे पहले आउटर वी से स्टार्ट करूँगी एंड क्रीज पे भी लेके जा रही हूँ सेम शेडो को, और ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से यहाँ पे. एंड इसके बाद एक क्लीन स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश ले लूँगी और पर्पल शेड के एजेस को अच्छे से ब्लेंड करूँगी. सो यहाँ पे मैं कोई शेडो नहीं अप्लाई की हूँ इस ब्रश में लेके, ये विदाउट एनी कलर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, थोड़ा सा सॉफ्ट फिनिश देने के लिए, थोड़ा अच्छा ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे. इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ब्लैक शेडो. सो ब्लैक शेडो को एकदम स्मॉल पेंसिल ब्रश में लेके मैं अप्लाई कर रही हूँ. स्टार्ट करूँगी आउटर वी से. सो ये थोड़ा सा डेप्थ प्रोवाइड करेगा आई मेकअप में, और सेम ब्लैक शेडो को मैं क्रीज पे भी अप्लाई करूँगी. सो पहले मैं आउटर वी से स्टार्ट की हूँ एज यू कैन सी. सो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके मैं इसको इंटेंसीफाई कर रही हूँ. मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर डार्कर शेड है तो थोड़ा कम प्रोडक्ट लेके स्टार्ट करें, धीरे धीरे उसको इंटेंसिफाई करें. सो यहाँ पे मैं ब्लैक शेडो के बाद पर्पल शेडो से अच्छे से ब्लेंड करूँगी उसको, एंड फर्दर उसको ब्लेंड आउट करने के लिए मैं फिर से वो क्लीन ब्रश से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. नेक्स्ट यहाँ पे मैं कट क्रीज ड्रॉ करूँगी, बट उससे पहले मैं क्यू टिप ले लूँगी, उसमें माइसेलर वाटर लेके क्लीन कर लूँगी क्रीज के नीचे, बिकॉज इससे एक फ़ायदा होगा आपका जो कंसीलर इसके बाद अप्लाई करोगे उसके साथ कलर मिक्स नहीं होगा, सो आपको ज़्यादा क्लीन कट क्रीज मिलेगा. सो इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर एक फ्लॉट कंसीलर ब्रश में लेके. सो दिस वन इज़ फ्रॉम प्रो आर्ट. सो बहुत इनएक्सपेंसिव है ये ब्रश और कट क्रीज के लिए बहुत अच्छा एक ब्रश है. सो कंसीलर को मैं अप्लाई करूँगी पूरे आईलिड पे, एंड इसके बाद मैं ब्लैक शेडो को अप्लाई करूँ सबसे पहले आउटर वी पे. सो थोड़ा सा यहाँ पे मैं कंसीलर के एज को थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी विद दैट ब्लैक शेड. बहुत कम अप्लाई की हूँ यहाँ पे ब्लैक शेडो, लगेगा तो बाद में मैं फिर से अप्लाई करूँगी. उसके बाद पर्पल शेडो को फिर से अप्लाई कर रही हूँ, और उसको मैं थोड़ा ज़्यादा पोर्शन पे अप्लाई करूँगी एज़ कम्पेयर टू ब्लैक शेडो. इसके बाद मैं अप्लाई करूँ शिमरी पर्पल शेड, और इसको मैं अप्लाई करूँगी पूरे आईलिड पे, जहाँ पे भी कंसीलर से क्लीन किए थे वो पोर्शन पे. सो जब इनर कॉर्नर के साइड पे जाए तब थोड़ा सा कम अप्लाई करे प्रोडक्ट, मैं चाहती हूँ वो थोड़ा सा कम ओपेक फिनिश दे एज़ कम्पेयर टू सेंटर आई लीड. सो बहुत कम प्रोडक्ट अप्लाई की हूँ इनर कॉर्नर के साइड पे. अगेन मैं पर्पल शेडो को फिर से अप्लाई कर रही हूँ आउटर वी पे, शिमरी शेड के साथ अच्छे से मिक्स कर लेने के लिए, अच्छा सा ग्रेडिएशन क्रिएट करने के लिए. एंड अगेन ब्लैक शेडो को अप्लाई कर रही हूँ. इसके बाद जो ग्लिटर शेड है उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ. सो इस पैलेट में ग्लिटर शेड भी मिल जाएगा आपको काफ़ी सारा. सो इसको मैं फिंगर के हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, ये पर्पल ग्लिटर जो था वो उसको अप्लाई कर रही हूँ. प्रेस्ड ग्लिटर है ये सारे, तो आपको कोई ग्लिटर ग्लू की ज़रूरत नहीं है इसके साथ, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो.
नेक्स्ट यहाँ पे मैं आई लाइनर ड्रॉ करूँगी। फॉर दैट आई एम यूजिंग लॉरियल का फ्लैश कैट आई आई लाइनर। बहुत अच्छा एक आई लाइनर है। सो एक लॉन्ग विंग्ड आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं काजल अप्लाई करूँगी। फॉर दैट आई एम यूजिंग मामा अर्थ का काजल। सो ये कोल पेंसिल है और काफ़ी दिनों के बाद मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। सो वाटर लाइन पे अप्लाई की हूँ बेसिकली। एंड उसके बाद पर्पल शेडो को मैं अप्लाई कर रही हूँ लैश लाइन के क्लोज क्लोज, थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए। एंड इसके बाद मैं ब्लैक शेडो लेके जस्ट आउटर पोर्शन पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड मस्कारा के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का लैश पैराडाइज मस्कारा, वन ऑफ माई फेवरेट मस्कारा। बट बहुत कम प्रोडक्ट बचा हुआ है, ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है मेरा ये बॉटल। मैं न्यू और एक परचेज करूँगी बहुत जल्दी। सो अपर एंड लोअर लैशेस पे कोट कर लूँगी मस्कारा को। एंड इसके बाद हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, दिस वन इज़ फ्रॉम लॉरियल। सो ये हाइलाइटर भी काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आता है। सो इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन पे अप्लाई करूँगी। एंड फोर्स आई लैशेज के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का आईसी वेरिएंट वाला फोर्स आई लैशेज अप्लाई कर रही हूँ। बहुत इनएक्सपेंसिव है ये फोर्स आई लैशेज। एंड दिस इज़ द फाइनल फिनिश लुक। लेट मी नो कैसा लगा आपको ये आई मेकअप। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज फॉर मोर अपडेट। मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।